गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट के बारे में। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो हर बार आपको डॉक्टर के यहां दौड़ने की जरूरत नहीं है। आपने अपना ब्लड टेस्ट कराया जिसमें कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो ऊपर की तरफ आया। अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ऊपर की तरफ आया तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के यहां दौड़ने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी लाइफस्टाइल और आपको अपनी डाइट, उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो आज हम हाई कोलेस्ट्रॉल जो डाइट है उसमें क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए, इसको साइंटिफिकली एनालाइज करेंगे। नाउ अगर हम ध्यान से देखें कि अगर जो कोलेस्ट्रॉल ऊपर की तरफ है तो आपको हार्ट में प्रॉब्लम होने की संभावना है। तो इसलिए आप क्या खाते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल कैसा होता है, यह डिटरमाइन करेगा कि आपकी हार्ट की जो हेल्थ है वो कैसी रहेगी। नो अगर हम ध्यान से देखें तो जितनी भी हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट्स हैं स्पेसिफिकली इसी चीज के लिए डिजाइन की गई हैं कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो नीचे की तरफ रखा जा सके। लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है कि जितने भी हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, एचडीएल की बात करते हैं, एलडीएल की बात करते हैं, तो सभी कोलेस्ट्रॉल एक जैसे नहीं है, सभी कोलेस्ट्रॉल वही नहीं है। नो जब हम एचडीएल की बात करते हैं या हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की बात करते हैं या एचडीएल की बात करते हैं, ये वास्तव में आपकी बॉडी के अंदर से कोलेस्ट्रॉल को निकालने की ताकत रखता है। इसका मतलब यह है कि अगर एचडीएल आपका ऊपर की तरफ है तो कोलेस्ट्रॉल आपका नीचे की तरफ रहेगा। इसलिए अगर आपको हार्ट की सुरक्षा चाहिए तो आपका एचडीएल हमेशा ऊपर की तरफ रहना चाहिए। इस सिद्धांत को आपको समझने की जरूरत है। नंबर दो, अगर आपकी बॉडी के अंदर एलडीएल ज्यादा है या लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ज्यादा है, फिर से सुनिए, अगर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या एलडीएल ज्यादा है तो वास्तव में यह आपको प्रॉब्लम करेगा। यह आर्टरीज के अंदर प्लेक बनाएगा जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, और इस तरह के प्लेक अगर बनाएगा तो वास्तव में हार्ट की जो बीमारी है उसके होने का डर रहेगा। तो एक तो कोलेस्ट्रॉल सभी एक जैसे नहीं है, आपकी बॉडी में एचडीएल हमेशा ज्यादा होना चाहिए और एलडीएल हमेशा कम होना चाहिए। तो जो भी डाइट है उनका एम एक्चुअली यही होगा। नाउ जब आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है तो जब हम डाइट रिकमेंड करते हैं या साइंस जो राइट डाइट रिकमेंड करती है वो हमेशा फूड की जो कैटेगरी है उनका एम सिर्फ यही होगा कि वो नंबर वन आपकी जो बॉडी के अंदर एचडीएल यानी गुड जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी अमाउंट को बढ़ाए और जो एलडीएल या जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसके अमाउंट को नीचे करे। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है जो डाइट का वुड बी दीज टू, के एचडीएल बढ़ाए और एलडीएल को नीचे करे। नाउ इस प्रिंसिपल पर हम अगर ध्यान से देखें तो जो भी फूड आइटम्स ऐसे हैं जिनमें सॉल्युबल फाइबर ज्यादा है, जिनमें सॉल्युबल फाइबर ज्यादा होगा वो वास्तव में आपका एचडीएल बढ़ाएंगे, एलडीएल कम करेंगे। आपकी डाइट में अगर फाइटोस्टेरॉल ज्यादा है तो एचडीएल ऊपर जाएगा, एलडीएल नीचे रहेगा। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन, पर्टिकुलरली लीन प्रोटीन ज्यादा है तो एचडीएल ऊपर जाएगा, एलडीएल नीचे की तरफ जाएगा। तो ये तीन जो है ना बेसिक साइंटिफिक फैक्ट्स हैं जो डाइट में हमेशा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो जब भी आप कुछ खाते हैं उसमें जो फैट का कंटेंट है उसको ध्यान से देखिए। अगर उसमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा है आपको अवॉइड करने की जरूरत है, अगर ट्रांस फैट ज्यादा है तो आपको अवॉइड करने की जरूरत है। आपको वास्तव में उन फूड आइटम्स को लेने की जरूरत है जिसमें अनसैचुरेटेड फैट, चाहे वो मोनो अनसैचुरेटेड फैट हो चाहे वो पॉली अनसैचुरेटेड फैट हो, उसको ऑप्ट करना चाहिए। इसका मतलब सॉल्युबल फाइबर चाहिए, फाइटोस्टेरॉल चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए लीन, एंड आपको अनसैचुरेटेड फैट से वो डाइट में ज्यादा चाहिए। ये प्रिंसिपल्स हैं मोटे तरह से जो आपको डाइट में अडॉप्ट करने पड़ेंगे सो दैट एचडीएल ऊपर की तरफ रहे और एलडीएल नीचे की तरफ रहे, तभी हार्ट की सुरक्षा प्रॉपर होगी। नाउ फूड आइटम्स को एक एक करके हम देखते हैं, उसको एनालाइज करिए। जो आपको अच्छी मात्रा में खाने की जरूरत है उन आइटम्स को देखिए। जब आप सब्जी खाते हैं तो आपको पालक खाने की जरूरत है, आपको केल खाने की जरूरत है, आपको लेट्यूस खाने की जरूरत है, इसका मतलब हरे पत्तीदार सब्जियों खाने की जरूरत है। नाउ आपको गाजर खाने की जरूरत है, कैरेट्स आपको अच्छे अमाउंट में बीटा कैरोटीन और अच्छे अमाउंट में फाइबर देते हैं। जो बीट्स हैं, चुकंदर है, जो विंटर सीजन है आपको चुकंदर जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। जो कुकुम्बर्स हैं, खीरा है, वो 12 महीने मिलते हैं, इनको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये अच्छी मात्रा में फाइबर देते हैं, इन आपका जो डाइजेशन भी ठीक रखते हैं, इन कोलेस्ट्रॉल को नीचे लेके आते हैं। जितने भी पेपर्स
हैं, चाहे वो ग्रीन हो, येलो हो, रेड हो, ये हमेशा आपको हेल्प करते हैं। जो अवोकेडो जैसा फ्रूट है जो आज की तारीख में इंडिया में भी मिलने लगा है, अवोकेडो इज वन ऑफ द हेल्दीएस्ट वेजिटेबल जो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ऑन द कंट्री कुछ चीजों को बिल्कुल बचाने की जरूरत है। अगर आप बीफ खाते हैं नो, आपको बंद करने की जरूरत है। आप नॉनवेज खाते हैं उसमें लीवर खाते हैं नो, उसको बंद करने की जरूरत है। जो कमर्शियली प्रिपेयर्ड सॉसेजेस मिलती हैं, बेकन मिलता है, सलामी मिलती है, इनको आपको अलग करने की जरूरत है। इनमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा है और उसके चलते आपको प्रॉब्लम्स होंगी। ऐसे ही जितने भी कैंड फिश मिलती हैं जो ऑयल में पैक होकर आती हैं, वो सैचुरेटेड फैट में बहुत हैवी होती हैं, इनको आपको अलग करने की जरूरत है। नाउ और क्या आपको खाना चाहिए? आपको होल ग्रेन्स खाने की जरूरत है। जो बार्ले है जो के नाम से आता है वो खाने की जरूरत है। जो ओटमील है इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आइटम इन द डाइट, जो आपको अपने खाने में जरूर खाना चाहिए, आपको ओट्स जरूर इस्तेमाल करने चाहिए। जो क्विनोवा है इज वन ऑफ दोस ग्रेन्स जो कंप्लीट या होल ग्रेन की कैटेगरी में आता है, आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। सभी दालें जितने भी लेंटिल्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइट, इनको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। राइस में ब्राउन राइस इस्तेमाल करिए इन कंपैरिजन टू व्हाइट राइस, क्योंकि जो व्हाइट राइस है उसको पॉलिश करके उसमें बहुत सारे हेल्दी मटेरियल अलग हो जाते हैं। तो जो होल ग्रेन्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो होल ग्रेन्स आपको इस्तेमाल करने की जरूरत है इन ओटमील इन पर्टिकुलर। ऑन द कंट्री इन चीजों को बचाने की जरूरत है। जैसे आप कमर्शियली प्रिपेयर हॉट डॉग्स खाते हैं, दूर रहिए। अगर आप शेलफिश खाते हैं जो सी फूड में उसमें आती है, आप श्रिंप खाते हैं उनको अलग करिए। अगर आप पोर्क खाते हैं उसको आपको मिनिमाइज करना है या अलग करना है। जो एग्स में योक का पोर्शन है या एग के अंदर जो येलो पोर्शन है उसको मिनिमाइज करना है या उसको अलग करना है। ऐसे ही जो आप दूध इस्तेमाल करते हैं, मिल्क इस्तेमाल करते हैं, जो फुल क्रीम मिल्क है वो वास्तव में आपको एडवाइजेबल नहीं है। नाउ द नेक्स्ट आइटम्स जो आपको इस्तेमाल करने चाहिए, वन इज द टोफू। जो टोफू है वास्तव में सोयाबीन से बनता है, तो टोफू इस्तेमाल करिए। सोयाबीन की सभी प्रिपरेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट सोया चंक्स हैं, सोया नगेट्स हैं, सोया नट्स हैं, जो आपको सोयाबीन में मिलता है उसे आप इस्तेमाल करिए। नाउ आलमंड्स एंड वॉलनट, ये दोनों बहुत हेल्दी हैं, इनमें काफी मोनो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, इन्हें इस्तेमाल करिए। लेकिन ये कैलोरी में हाई होते हैं इसलिए इनको कम अमाउंट में इस्तेमाल करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में आप आलमंड्स एंड वॉलनट लेंगे तो ये हाई कैलोरी होने के चलते आपके को गेन कराएंगे। जो सीसेम एंड पंपकिन सीड्स अवेलेबल होते हैं उनको जरूर इस्तेमाल करिए, दे आर वेरी हेल्दी। जो स्टेरॉल फोर्टिफाइड फूड्स हैं इनमें वास्तव में जो है ना अर्गो स्टेरॉल होता है जो विटामिन डी बनाता है, जो अवेलेबल बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं जैसे पॉपकॉर्न होता है या कॉर्नफ्लेक्स होते हैं, ये स्टेरॉल से फोर्टिफाइड होते हैं, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब एग इस्तेमाल करना है तो कितने भी एग्स खाइए लेकिन एग व्हाइट खाइए। अगर आप एक एग व्हाइट खाते हैं तो आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो आप कितने भी एग खाएं लेकिन उसके येलो पोर्शन को अलग करने की जरूरत है, बिकॉज येलो पोर्शन कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। साइंटिफिकली अगर आप 2 एग खाएं तो होल एग खाइए, लेकिन आपको 10 एग खाना है तो 2 होल एग खाइए, बाकी एग व्हाइट्स खाइए। नाउ क्या चीजें ऐसी हैं जो अवॉइड करने की जरूरत है? मोस्ट ऑफ द चीज, जो चीज मोस्ट ऑफ होते हैं वो वास्तव में उनमें जो सैचुरेटेड फैट है वो ज्यादा होता है, उसे अवॉइड करना चाहिए। जो होल मिल्क से योगर्ट बनता है उसको मिनिमाइज करिए या अवॉइड करिए। जितने भी इस तरह के आइटम्स हैं जैसे आप पेस्ट्रीज खाते हैं, कुकीज खाते हैं, केक्स खाते हैं, इन सब में एक्चुअली सैचुरेटेड फैट होता है या ट्रांस फैट होता है, इसको आपको मिनिमाइज करने की जरूरत है। इनफैक्ट इसको अवॉइड करने की जरूरत है। जितने भी पैकेज स्नैक्स आते हैं या फास्ट फूड्स आते हैं उनमें सब में ट्रांस फैट होते हैं, उनको आपको अवॉइड करने की जरूरत है। नो लुक एट द आइसक्रीम। आइसक्रीम इज अ वेरी पॉपुलर डिश जो लेफ्ट एंड राइट खाई जाती है, लेकिन जो आइसक्रीम है इसमें शुगर अच्छी मात्रा में होती है एंड काफी अमाउंट में सैचुरेटेड फैट होते हैं, इसको आपको मिनिमाइज या अवॉइड करने की जरूरत है। यू नो ऑल दोस फ्रूट जूसेस जिनमें शुगर पड़ी होती है उनको भी अवॉइड करने की जरूरत है। नो द नेक्स्ट लिस्ट ऑफ द आइटम्स जो आपको इस्तेमाल करना चाहिए उसको ध्यान से देखिए। जो टर्की है एंड चिकन है जो स्किनलेस है वो एकदम बिल्कुल परफेक्टली ओके है फॉर ईटिंग। ये वास्तव में जो व्हाइट मीट है ये उस कैटेगरी में आते हैं, इसे आप इस्तेमाल करिए। जो ट्यूना एंड सलमन फिश है इसको जरूर इस्तेमाल करिए। जो कॉड फिश है जो अवेलेबल होती है उसको जरूर इस्तेमाल करिए। जो हेलीबट फिश है इसको जरूर इस्तेमाल करिए। तो आप टर्की खाइए, आप चिकन खाइए, ये व्हाइट मीट है, इसको स्किनलेस करिए। इन जितने भी ये फिश है चाहे वो ट्यूना है, सलमन है, चाहे कॉड फिश या हेलीबट है, दे आर एब्सोल्युटली रिकमेंडेड। बट ऑन द कंट्री कुछ चीजों को अवॉइड करने की जरूरत है। जैसे कोकोनट ऑयल है,
जो साउथ इंडिया है उसमें कोकोनट ऑयल बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, इसके अमाउंट कम करने की जरूरत है। जो पाम कर्नेल ऑयल है इसके अमाउंट कम करने की जरूरत है। जो आप लेफ्ट एंड राइट बटर इस्तेमाल करते हैं इसको बंद करिए या कम करिए। जो हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स हैं इनको मिनिमाइज करिए, बंद करिए। जो बटर पॉपकॉर्न्स हैं, जो पोटैटो चिप्स आप इस्तेमाल करते हैं इनको बंद करिए या मिनिमाइज कर दिए। जो अल्कोहल बेवरेजेस आप लेते हैं, इनफैक्ट जो कॉकटेल्स आप इस्तेमाल करते हैं जिसमें लॉट ऑफ शुगर भी होती है, वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे क्रीमी सॉसेस होते हैं, उनको भी आपको अलग करने की जरूरत है। तो देखिए जो फूड आइटम्स हैं उनके सिद्धांत बिल्कुल जो है ना क्लियर हैं। एचडीएल बढ़ना चाहिए, एलडीएल कम होना चाहिए। एचडीएल ऊपर की तरफ रहेगा कोलेस्ट्रॉल क्लीन होगा, एलडीएल ऊपर की तरफ रहेगा हार्ट में प्लेक्स बनेंगी एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो जो फूड आइटम्स हैं वास्तव में आपको ध्यान देने की जरूरत है कि वो क्या फूड आइटम्स हैं जो एचडीएल को ऊपर ले जाते हैं और एलडीएल को नीचे करते हैं। अगर आप मोटे तौर पर इन फूड आइटम्स को अपने याददाश्त में रखेंगे, किचन में एक लिस्ट बना के रखेंगे एंड उस पर एक वॉचफुल कंसंट्रेशन रखेंगे, तो मैं मान के चलता हूं कि आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल ठीक होगा एंड आपकी बॉडी के अंदर एचडीएल एलडीएल का रेशियो ठीक होगा एंड हार्ट की बीमारियों से सुरक्षा होने में आपको मदद मिलेगी। अगर डाइट इन हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट इसको समझने में ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर, थैंक यू वेरी मच।